हेलो गाइज भाई, मऊ मुरारी और मिस्टर जेडी इंडियन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। भाई आप देख सकते हैं, मैं जो पीछे बाजरे की फसल खड़ी हुई है इसके अंदर मैं खड़ा हुआ हूँ, जो पूरी बाजरे की फसल है। गाइज इस टाइम में क्या है, बरसात का टाइम चल रहा है और सभी के खेतों में वो है बाजरे की फसल लगी हुई है। तो गाइज इस टाइम में क्या होता है, जो आवारा पशु होते हैं, गाय और नील गाय हैं, तो इस टाइम में जो फसलों को ख़राब कर देती हैं, बहुत सी फसलों को खा जाते हैं और बहुत सी ज़्यादा फसलों को पैरों से तोड़ जाते हैं। गाय रात में होते हैं, जो नील गाय होती है वो रात में आकर भी ख़राब कर जाती हैं, दिन में तो हम यदि सुरक्षा भी करते हैं तो रात में आकर वो ख़राब कर देते हैं। गाय कुछ खेत तो ऐसे हैं जिनके तारबंदी और जालबंदी है, लेकिन कुछ लोगों के खेत हैं वो घर से बहुत ज़्यादा दूर है, तो उनमें अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते फसलों की। तो गाइज उनमें क्या होता है, रात में आकर जो आवारा पशु होते हैं उनको ख़राब कर देते हैं। तो गाइज इस टाइम में क्या है, हमारी जो फसल है उसको ख़राब होने से बचाने के लिए एक जुगाड़ बनाने वाले हैं। गाइज हम इस खेत के अंदर एक छोटा सा बिजू का बनाने वाले हैं। बिजू का से क्या होता है, जो आवारा पशु होते हैं वो थोड़ा बहुत डर जाते हैं, तो वो खेत के अंदर नहीं आते हैं। तो गाइज आज हम इसको ट्राई करने वाले हैं और गाइज देखते हैं कि बिजू का बनाने से जो आवारा पशु होते हैं वो कितना डरते हैं या नहीं डरते हैं, वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन हम ट्राई करेंगे कि बिजू का से सच में जो आवारा पशु होते हैं वो डरते हैं नहीं डरते हैं, खेत के अंदर आएंगे या नहीं आएंगे। तो गाइज करते हैं वीडियो को फटाफट से स्टार्ट। अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बिजू का बनाना स्टार्ट करते हैं। जो भी किसान भाई लोग हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, जो किसान भाई लोग हैं वो भी हमारे जैसे एक बिजू का बनाकर खेत के अंदर अपनी फसल की सुरक्षा कर सकते हैं। और गाइज हम आगे वीडियो में पूरा बताएंगे कि आपको क्या करना है और कैसे बनाना है, पूरा सिस्टम आपको बताएंगे। आप देख सकते हैं हम यहाँ पे जो थोड़ी सी खाली जगह है बाजरे की फसल के अंदर, यहाँ पे इस बीजू का को लगाने वाले हैं। तो गाइज जो बीजू का अभी पूरा कम्प्लीट नहीं बनाया, हमने इसको बनाने के लिए एक लकड़ी का बेस तैयार किया है और जो बेस है इसको हम थोड़ा सा ज़मीन के अंदर लगाएंगे और फिर इसके ऊपर कपड़े और वो वगैरह वगैरह इसके ऊपर लगाएंगे। तो एक लकड़ी का बेस हमने इसको बना दिया है और हम सबसे पहले इसको मिट्टी के अंदर लगाएंगे, इसके बाद आगे की प्रोसेस वो स्टार्ट करेंगे। तो गाइज आप भी कुछ इस तरह का बेस बना सकते हैं एक साधारण सा बिजू का बनाने के लिए, और आप भी अपनी फसल के अंदर लगाने के लिए इसको ट्राई कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसको मिट्टी के अंदर लगाएंगे थोड़ा सा, जिससे वो हवा से गिरे नहीं नीचे। बिजुका का बेस था इसको हमने मिट्टी के अंदर लगा दिया है और जो जो पायजामा था वो भी हमने इसको फैला दिया है, क्योंकि यदि इसको हम पहले बाद में मिट्टी में लगाते तो इसको पायजामा फैलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और गाइज आपको ये देख के बेस देख के थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन यदि आप इस तरह का बनाएंगे वो बहुत ज़्यादा मजबूत बिजुका बनेगा। लेकिन आप वैसे लकड़ी लगा के बनाएंगे तो वो वैसे ज़्यादा जल्दी गिर जाएगा। और अभी हम इसको और ज़्यादा और कपड़े पहना कर इसको पूरी तरह से तैयार करते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो शर्ट है वो अभी बिजू का वो शर्ट पहनाने वाले हैं, तो मैं शर्ट पहना देता हूँ फटाफट से। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. जो शर्ट है वो हमने इसको पहना दी है और अभी इसके हाथ हैं उनको भी थोड़ा मैं कंप्लीट कर देता हूँ। गाइस इस शर्ट को मैं कुछ इस तरह से लगा देता हूँ। गाइस ये थोड़ा थोड़ा पुतले की तरह लग रहा है। मैं इसके हाथ को थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए जो घास है यहाँ पे वो लगा देता हूँ, जिससे इसका हाथ है वो थोड़ा अच्छा लगेगा। वैसे हमारे पास सूखी घास तो नहीं है, वैसे हाथ के ऊपर सूखी घास लगाते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। और मैं इस घास को टेप की सहायता से लगा देता हूँ। गाइस जो है थोड़ा थोड़ा हाथ अच्छा लग रहा है घास की वजह से, और उस तरफ भी मैं लगा देता हूँ। मैंने जो इस तरफ है वो बाजरे की घास लगाई है और इस तरफ दूसरी घास लगाई है हाथ की तरफ। इससे क्या है, थोड़ा बिजू का अच्छा लगेगा, जैसे पुतले जैसे बन गया है। लेकिन अभी इसके ऊपर वो सिर लगाना बाकी है, सिर लगाने के बाद थोड़ा अच्छा बिजू का लगेगा, तो मैं इसके ऊपर सिर भी लगा देता हूँ। भैया आपको बिजू का कैसा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। मैंने इसका सिर बनाने के लिए एक छोटा मटका लिया है
और इस मटके को ऊपर मैंने कलर किया है। कलर करने के बाद कुछ मुए के जैसी डिजाइन बना दी है, और अब हम इसको इसके ऊपर लगा देते हैं। गाइस आप देख सकते हैं अभी थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है। तौलिया है जो इसके गले में डाल देता हूँ मैं, इससे और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। और गाइस ये इसका आईडी कार्ड है, क्योंकि तो हमारे चैनल का नाम इसके ऊपर लिखा हुआ है, तो मैं इसको पहना देता हूँ। भाई जो हमारा बिजू का है वो बनकर कंप्लीट हो चुका है। भाई आपको बिजू का कैसा लगा? हमारा बिजू का अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताना। I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing. Sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits some loose shit. A stupid myth, you choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. सके ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है कि हम इसको और भी ज़्यादा अच्छा बना सकें। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पायजामा पहना दिया है, और ये एक शर्ट है, और ये मटके की सहायता से इसके ऊपर मुंह लगा दिया है, और यहाँ गले में इसके अंदर साफी डाल दी है। और ये हमारे चैनल का नेम है जो इस बिजू का आई कार्ड है। और आप देख सकते हैं दोनों हाथों की तरफ थोड़ी थोड़ी घास लगा दी है, जिससे थोड़ा और भी ज़्यादा अच्छा लगे। आप देख सकते हैं मैं थोड़ी बहुत घास इसके सर के ऊपर भी लगाने वाला हूँ, जिससे थोड़ा और भी अच्छा लग सके। तो गाइस जो हमारा बिजू का है वो बनकर कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस आप कमेंट करके जरूर बताना कि हमारा जो बिजू का है वो आपको कैसा लगे। तो गाइस आप भी अपने खेत के अंदर ऐसा बिजू का बनाकर ट्राई कर सकते हैं, और आपके जो भी आपके पास जो भी सामान है उसकी सहायता से आप छोटा मोटा बना सकते हैं, और गाइस आप मेरे खेत की रक्षा कर सकते हैं। जो भी किसान भाई लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा एक जुगाड़ है, जो कि अपने खेत के अंदर इसको लगा सकते हैं। और गाइस इस बिजुका की तरफ से एक सब्सक्राइब बनता है, तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी लाइक कर देना। जुका है इसकी तरफ से आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।